आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे महत्वपूर्ण कि 2010 में एक मूवी रिलीज हुई थी, पीपली लाइव। उस पिक्चर की अगर बात करें तो पिक्चर तो बहुत ज्यादा हिट नहीं रही थी, पर उस पिक्चर में एक गाना था। उस गाने का नाम था, उस बोल थे कि सखी सैया तो खूब ही कमात है और महंगाई डायन खाए जाते हैं। ये केवल महज शब्द नहीं है बल्कि एक उदाहरण है, एक मिसाल है और एक व्यवस्था का चित्रण है कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो सैया यानी जो पुरुष हो उसकी कमाई भी कम पड़ जाएगी। और जो कथन है उस कथन की अगर व्यवस्था को देखें आप तो व्यवहारिकता इतनी ज़्यादा है कि हर आदमी हर गृहस्थी उससे जुड़ी हुई है। जब महंगाई बढ़ती है तो कहीं ना कहीं इसका असर आम जन की गृहस्थी पर पड़ता है। ये मुद्दा मैं इसलिए उतार रहा हूं क्योंकि यहां पर इस मुद्दे को उठाना जरूरी है। कारण, रंगों के त्योहार यानी होली के पहले एक बड़ा झटका सिलेंडर में 50 रुपए की वृद्धि हो गई। यानी जो सिलेंडर अब महज 1,050 रुपए का आता था वो सिलेंडर अब आपको 1,103 रुपए का पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केवल महंगाई सिलेंडर पे नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ की जो संजय गांधी पीजी इंस्टीट्यूट है वहां पर भी जो जांचें हैं उनके रेट भी 10% से 50% तक बढ़ा दिए गए। सरकारी हॉस्पिटल में जांचें, बड़ा इंस्टीट्यूट है। इसके अगर बात करें तो दूध और दही के दाम भी बढ़ गए हैं। खैर वो तो बढ़ने जब एक कंपनी दाम बढ़ाती है उसके बाद जो दाम बढ़ाने का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है, चाहे वो दूसरी कंपनी फायदे में हो या नुकसान में हो। पर जब एक कंपनी ने दाम बढ़ाए हैं तो निश्चित रूप से दूसरी कंपनियां भी उसकी अनुसरण करती नजर आएंगी और दाम जरूर बढ़ाएंगी, चाहे क्वालिटी में उससे कम हो या ज़्यादा हो। खैर यहाँ पर मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर एक तरफ हम जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बजट पास हो रहा था उस समय तमाम तरह की बातें कही जा रही थी कि योगी जी का बजट आया है जनता की खुशहाली को और ये बजट रंग देगा आने वाली होली को। खैर ये केवल बात नहीं है बल्कि बजट को लेकर चर्चाएं की गई थी। खैर बजट के माध्यम से तमाम वर्गों को साधने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किया था। अगर बात करें 1 फरवरी को देश का बजट आया था, उस बजट में भी तमाम तरह की रियायतें दी गई थी, खास तौर से मध्यम वर्ग के लिए टैक्स पेयर को 2.5 लाख से 7 लाख तक कर दिया गया था छूट को। पर जहां यहां पर बात हम सिलेंडर की कर रहे हैं, सिलेंडर क्यों? क्योंकि यहां पर सरकार सिलेंडर को लेकर तमाम तरह की योजनाएं बताती है, उज्ज्वला योजना बचाती नजर आती है। अगर सिलेंडर महंगा होगा तो उसको भरेगा कौन, भरा कैसे जाएगा? अगर एक आंकड़े की हम तुलना करें तो आंकड़े के मुताबिक यहां पर देखा जा रहा है कि लगभग 5 साल में 45% तक सिलेंडर महंगा हो गया है, घरेलू गैस सिलेंडर। और कमर्शियल भी इससे दूर नहीं है, वहाँ पर भी समय समय पर रेट बढ़ते रहते हैं। अमूनानत वहाँ पर भी वृद्धि इतनी ही हुई होगी। पर सिलेंडर अगर बढ़ रहा है तो इसका जो सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है आम जनता की रसोई पर। कुछ महत्वपूर्ण बयान सुनते हैं और फिर हम जब गैस सिलेंडर 400 का था तब ये महंगाई को लेकर हल्ला गुल्ला मचाते थे, प्रदर्शन करते थे और आज 8 साल में उसे 1,103 रुपए का पहुंचा दिया। ऐसे होली के समय में जब लोगों की आय पहले से कम है, बेरोजगारी चरम पर है, सरकार रोजगार नहीं दे पा रही और उस समय इस तरीके से दाम बढ़ाना, ये दिखाता है कि सरकार आम जनता के किस तरह से खिलाफ है, विरोध में है और विरोध में इस तरीके से महंगाई को बढ़ा रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए। ऐसी सरकार कभी भी देश के हित में नहीं हो सकती है। जो 400 के गैस सिलेंडर को महंगा बताते थे और अब सत्ता में आने के बाद वही 1100 का बताते हैं, ऐसे लोग कभी भी देश के हितैषी नहीं हो सकते। उन्होंने देश को धोखा दिया है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। देखिए भाजपा की सरकार सपने दिखाने वाली, सपने बेचने वाली और झूठ परोसने वाली पार्टी है। 2014 में भाजपा ने जनता से वादा किया था, नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। और 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है महंगाई आसमान पे है। पेट्रोल के दाम हो, गैस के दाम हो, आटा दाल चावल के दाम हो और या तो दूध और दही पे जीएसटी की बात, भारतीय जनता पार्टी ने जनता पे कर लगा के महंगाई बढ़ा के
जनता के बजट को बिगाड़ दिया है। जनता आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। केंद्र उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज होली के मौके पर इन्होंने घरेलू रसोई गैस का दाम बढ़ा करके फिर इन्होंने इस प्रदेश के और देश की जनता को जो है परेशान कर रहे हैं। जनता के ऊपर एक बोझ लाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे पर नहीं बोल रही है जो अडानी के माध्यम से जो पूरा देश को इन्होंने आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है। आज फिर उसी को अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए फिर उसको कर्ज देने के लिए तैयारी हो रही है। तो ये जनता की जेब से ही निकाल करके ये पैसा अडानी को पुनः फिर खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाह रही है। और ये महंगाई जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये एन के एन प्रकरणों से इधर उधर ला करके पूरे इस देश की जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं। और महंगाई पर ये चर्चा नहीं कर रहे हैं, दाल पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। दाल हो, आटा हो, चावल हो, ये सब ये जीएसटी के दायरे में लेकर के आए हैं कि बजट में इसका दाम भी ना घटाया जा सके। ये देश प्रदेश की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जनता विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है और नौजवानों को न तो ये नौकरी देने का काम कर रही है। ये सिर्फ इसी तरीके से दाम बढ़ा करके और अपने सरकारी तिजोरी को ये भरना चाह रही है। तो यहाँ पर बात आई विपक्ष की, कांग्रेस की, रालोट की, सपा की, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि आम जनता की क्या प्रतिक्रिया है। लगातार अगर आप रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाते जाएंगे तो बजट भी बिगड़ेगा और रसोई की जो गृहस्थी है, रसोई की जो व्यवस्था है, उसको चलाना भी मुश्किल होगा क्योंकि सिलेंडर से तमाम चीज़ें यहाँ पर निर्धारित होती हैं। कुछ जनता की प्रतिक्रिया देखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, क्या सिलेंडर तो महंगा है ही है, महंगाई पे ही थोड़ा कंट्रोल हो जाए तो अच्छी बात है। घरेलू यहाँ शहर है, देहात तो है नहीं जो लकड़ी लेके बना लें खाना, तो इस पर कंट्रोल किया जाए गैस पे। अगर बात की जाए तो होली से ठीक पहले घरेलू गैस में 50 रुपए का इजाफा किया गया, त्योहारों पे कैसा असर आए? 50 महंगा है, 1500 रुपए कर देंगे, इनको क्या है, इनको तो मिल ही रहा है। नहीं तो अगर किचन में खाना बनाती हैं, परिवार चलाती हैं, कितना मुश्किल हो रहा है इस महंगाई के दौर में। मुश्किल ना पूछो, क्या महंगाई, क्या क्या झेलना पड़ रहा है। देखिए, असर तो आ रहा है लेकिन हम लोग सब कुछ एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं। हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिलीज़ के हैं, लेकिन जो हमारे लोअर क्लास है, जो हमारे घरों में काम करने वाली हैं, अगर हम उनसे पूछते हैं तो वो इस बात के लिए अग्री हैं। क्यों? कहती इधर हमारा गैस का चूल्हा महंगा हुआ तो कहीं ना कहीं हमें राशन तो फ्री मिल रहा है। मैं मतलब सर, हमें ये तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो गरीब तबका है उसको थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि उनकी कमाई का साधन इतना नहीं है। घर में वो काम करती हैं, बहुत कम कमा पाती हैं, तो उनके लिए तो दिक्कत है गैस के रेट। चाचा, आपने नाम बताइए। राजा राम। घर में गैस सिलेंडर यूज होता है? नहीं। गैस सिलेंडर उज्ज्वला के कनेक्शन आपने लिया है? कुछ नहीं लिया। कुछ नहीं लिया है। खाना किस पे पकाते हैं आप? चूल्हे से। चूल्हे से। मेरे विवेकी जो हमलावर हैं वो एकदम सही हैं, चरम सीमा पे है। आदमी कंट्रोल के बाहर है, पहुंच के बाहर है, आदमी कर नहीं पा रहा है। चरम सीमा पे है, आदमी कंट्रोल के बाहर है, पहुंच के बाहर है, आदमी कर नहीं पा रहा है जी। ये ना सोचिए मैं गमछा डाल रहा हूँ कि बीजेपी का हूँ। देखिए, जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, हैं, और जिस हिसाब से रसोई गैस में अगर जो फ्री में सिलेंडर हर चीज़ मिल रहा है, तो अगर जो 50 रुपया बढ़ जा रहा है, तो होली दिवाली में योगी बाबा ने कहा है, महाराज जी ने कहा है कि होली दिवाली में फ्री दे रहा हूँ। और प्लस पॉइंट ये आ रहा है, अगर जो फ्री में, अगर जो देखिए बिजली पानी हर चीज़ जा रहा है आज गांव में, गांव में आप चले जाइए कितना 24 घंटे लाइट मिल रहा है। इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, इससे पहले नहीं आ रहा था, हैं, आज इससे पहले देख लीजिए। ये सरकार अच्छी सरकार है, कोई दिक्कत नहीं ना। 50 रुपया बढ़ गया तो उसमें क्या, महंगाई के हिसाब से चलेगा, लेकिन बात उसकी नहीं है, पॉइंट प्लस पॉइंट होना चाहिए उसके लिए। अर्थात बट मी उस लेवल पे जिस दिन आ जाएंगे तब आपको मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। तो यहाँ हमने देखी प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया थी मिली जुली, यानी जनता कह रही है ठीक भी है और जनता कह रही है कि नहीं, नुकसानदेह है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। त्योहार से पहले यानी होली से पहले, यानी रंगों की गुलजार से पहले यहां पर एक झटका लगा है, वो लगा है महंगे सिलेंडर का। चर्चा महत्वपूर्ण है। मेहमान जुड़ चुके हैं आपको रूबरू का, नेता भाजपा पक्ष रखेंगे, नेता सपा से उनके फार्मन प्रवक्ता विवेक पांडे अपनी बात रखेंगे, आर एफ मैमूर आरएलडी से अपनी बात रखेंगे, लतीफ आम आदमी पार्टी पक्ष रखेंगे, और समर विजय सिंह
समाज सेवी के रूप में अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला जो सवाल रहेगा वो रहेगा सफर हुसैन से। सफर भाई, बजट आया था, कहा गया था होली पर रंग खिलेगा और यहाँ पर सिलेंडर महंगा कर दिया गया है, और जिस तरह देखा जा रहा है कि जैसे ही चुनाव आए, चुनाव के बाद राशन योजना बढ़ा दी गई, निकाय चुनाव आने वाले हैं, बजट के बाद यहाँ पर सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए, कैसे देखते हैं आप इसको? अच्छा है या आने वाले समय में आपके लिए कष्टकारी है? मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप ही की एक बड़ी नेता जब सिलेंडर महंगा होता था तो पूरा आसमान सर उठा लेती थी और सिलेंडर को उठा उठा कर सड़क पर बैठती थी और कहती थी सिलेंडर महंगा है, इसे कम किया जाए। ना आज वो नेता दिखती है और ना आज वो रुचि दिखती है और ना आज वो प्रतिक्रिया दिखती है, कैसे देखते हैं आप? गौरव जी नमस्कार जी, सभी भाइयों को नमस्कार। गौरव जी, ये जो सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़े हैं, आप उससे पहले जाइए, जब सिलेंडर 300 रुपए में 350 में था उस वक्त लोगों की आमदनी जो है लगभग 20,000 के आसपास होती है। अच्छा, 15 से 20,000। अच्छा, आज अगर सिलेंडर 1,100 रुपए में हुआ है तो आज लोगों की आय बढ़ी है। जो मैं कहूँगा जो मजदूर जो 300 रुपए 200 रुपए पे मजदूरी करते थे, आज अगर आप डालीगंज पर जाइए तो वो 500 रुपए मजदूरी लेते हैं। अच्छा, और जो मिस्त्री होता है वो 800 रुपए ले रहा है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है और महंगाई भी धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसे इसमें कोई वो नहीं है कि महंगाई 50 रुपए बढ़ाए हैं सर। और मैं दूसरी चीज बहुत ही उससे कहूंगा कि सरकार जनता से पैसा लेती है और जनता के लिए ही उसका विकास का काम करती है। आज अच्छा। आप देख रहे हैं कि अगर हम सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो रहा है और पेट्रोल के दाम अगर कहीं बढ़ रहे हैं तो आप देखिए जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं। अच्छा, जनता का पैसा जनता के लिए ही खर्च किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जनता के उपयोग में ही आने वाली हैं। जनता के घोटालों में भी जा रहा है। देखिए, घोटाला तो आप नहीं कह सकते क्योंकि हम, मैं ये कहूंगा आजादी के बाद, गौरव जी मैं आप पर इस बात पर मैं कटास करूंगा आपके, आपने गलत बात बोली है। आजादी के बाद पहला देश में एक ईमानदार प्रधानमंत्री आया है, घोटाला और उत्तर प्रदेश के जो घोटाले हैं। देखिए आप, नहीं घोटाला पहली आजादी के बाद, आजादी घोटाले पहली ईमानदार सरकार आई है जो ईमानदारी से काम हो रहा है और जो भी योजनाएं चल रही ईमानदारी से लोगों के पास तक पहुंच रही हैं। अच्छा। इसका भी आप सर्वे करा लिए अपने माध्यम से। हाँ। अगर एक भी योजना का लाभ किसी को ना मिल रहा हो तो बताइए। पहले योजनाएं चलती थी, कागजों पर चलती थी, फाइलों पर चलती थी। अच्छा। और लोगों की जेब में और लोगों के घरों में पहुंच जाती थी। अच्छा। आज आप देख रहे हैं कि जो योजनाएं चल रही है, चाहे अंत्योदय की योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, जो भी योजनाएं हैं सारे लोगों को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि लगभग पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। सारी चीजें काबिले तारीफ है। नहीं, बिल्कुल काबिले तारीफ है। 80 करोड़ लोगों को, लगभग 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री राशन। घोटाला किसी और पार्टी का बोल रहा हूँ मैं, आपको क्यों बुरा लगा? नहीं नहीं, पहली बार देश में, मैं कहूंगा गौरव जी, पहली बार देश में ईमानदार प्रधानमंत्री, पहली बार ईमानदार प्रधानमंत्री, इसको आपको स्वीकार करना होगा। अच्छा, ठीक है ना, आप मीडिया से हैं और आप हर चीजों को सामने लेकर के आते हैं। इस बात को भी, इस सत्य को भी स्वीकार करिए कि अच्छा। पहली बार देश में प्रदेश में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री ईमानदार आया है अच्छा। आजादी के बाद से। चलिए, और महंगाई जो ये विपक्ष है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है ना। लोग अभी, मैंने देखा एक साहब कह रहे थे कि इनको जो है चुनाव में जो है देखा जाएगा, तो मैं उनसे कहूंगा 14 में हम जीते, उसके बाद हम 17 में जीते, उसके बाद हम 19 में जीते, फिर हम 22 में जीते और 24 में हम जीतने वाले हैं। आपके साथ जनता कहाँ है? अच्छा, जनता जो है, जो चीजें जनता की थी, जो गुंडागर्दी आपने देखा कि किस तरह से गुंडागर्दी है, वह गुंडों को जवाब दिया जा रहा है। अच्छा। आज अगर कोई भी हत्या होती है, कोई भी कांड होता है, गुंडा अपनी गुंडागर्दी दिखाता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। इलाहाबाद आपका उदाहरण है और इससे पहले कई उदाहरण मौजूद है। अच्छा, ठीक है, तो ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा। अगर जनता के लिए महंगाई बढ़ रही तो वो जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्च हो रहा है। अच्छा, महंगाई बढ़ते रहेंगे, जनता को खर्च करते रहेंगे, ये कहना चाहते ना? ईमानदारी से जनहित में खर्च किया जा रहा है जनता के पैसे को। अच्छा जी, इसे सिलेंडर बढ़ते रहेंगे, ठीक है, पर जब यूपी सरकार है बढ़ते तब हल्ला बोल क्यों करते थे? उस समय जनता के लिए खर्च नहीं होता था क्या? देखिए, उससे पहले सीधा जवाब, उससे पहले खर्च होता था। उससे पहले के प्रधानमंत्री कहते थे मैं 10 रुपया भेजता हूँ, 1 रुपया पहुंचता है। अरे, वो राजीव गांधी समय की बात क्यों कर रहे हैं भैया? वो वही बात है ना, उससे पहले सरकार की बात कर रहा हूं। 2G 3G 4G घोटाले नहीं हुए क्या? अच्छा, देखिए ना, तो वहां पैसे चला गया। नहीं, तो वही बता रहा हूँ ना, घोटाले कहाँ जाते थे, आप देखिए ना। चलिए, ठीक है भाई पांडे, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं भाई, क्या बात हो गई। सफर भाई के बारे में खुश हो गए क्या आप?
समर्थन कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं पहले तो मंच पर उपस्थित सभी पैनलिस्टों को प्रणाम करता हूँ, अनुमोदन अपना समर्पित करता हूँ और अभिव्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के साथ बातों को रखने की अनुमति चाहूंगा। जी देखिए, बहुत अच्छी बात कही हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कि इस देश में आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है, अगर ये उसे उपलब्धि मानते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वैश्विक पटल पे ये एक कमजोर संदेश है जिसको सुधारने की आवश्यकता है। अच्छा। मतलब हमारे यहाँ 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सरकार पे आश्रित है अभी भी। क्या बात है? सक्षम नहीं है। क्या बात? और जो राशन दिया जा रहा है अगर उसी की बात कर लेते हैं, 350 रुपए के आसपास अगर मैं मूल्यांकन उसका रेट कहूं तो मुझे लगता है इसके आसपास ही है। जी। एक समय ऐसा भी था 2014 के पहले जब 50 रुपए 55 रुपए में यही राशन राशन कार्ड पे बाकायदा गोदामों पे मिला करता था। अच्छा। लेकिन आज वो 350 रुपए में 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा था, वाहवाही का प्रतीक है। लेकिन मुझे लगता है आप ये बता रहे हैं कि 80 करोड़ आपके देश में ऐसे गरीब है जो सरकार पे आश्रित है, जिनको अगर सरकार खाना ना दे तो उनको भोजन नसीब नहीं होगा। जी। दूसरी बात, एक बात कहता हूँ कि 7-8 करोड़ जैसे कोविड के खत्म होते ही जो गरीब नए तरीके से इस देश में प्रभावित हुए, नए तरीके से गरीब श्रेणी में आ गए, सीएमआई की रिपोर्ट आती है, अलग अलग संस्थाओं की रिपोर्ट आती है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज देश में जो महंगाई का ये राग रुदन प्रलाप अलापा जा रहा है, इसके पीछे सरकार की मंशा ये है कि वो मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने में विफल है, क्योंकि मुद्रा का स्तर तो गिरता जा रहा है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। लेकिन ये कहीं ना कहीं गौरव भाई ऐसे समझिएगा, स्टेट बैंक का एनपीएस देश में पहली बार जो होता है 24.39% के साथ 2.01 ट्रिलियन, सबसे बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा स्टेट बैंक का होता है एनपीए। उसके बाद $552 बिलियन एनपीए इलाहाबाद बैंक। इसके बाद 18 मई 2016 की वो घटना आपको याद होगी, पीएनबी का 5,367 करोड़ के आसपास। ये मसला जो है महंगाई का, आज स्मृति जी चुप है भाई, आप ही के भाषण आपको असहज कर रहे हैं। बता तो रहा हूँ, कहा तो है कि जनता की भलाई के लिए खर्च किया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, जनता की भलाई के लिए इसलिए खर्च किया जा रहा है, ये ऐसे खर्च किया जा रहा है कि इनके जितने भगौड़े मित्र भागे हैं ना, इनके संरक्षण में ये सारी वसूली हो रही है जनता की आम जेब से। अच्छा। आम जो हमारे पास जो आम छोटा छोटा अकाउंट होता है, जो हमारे छोटे डब्बों में माता जी हमारी पहले पैसे डब्बा छुपा करके रखती थी, गुल्लक रखे जाते थे, ये वो पैसा खींचा जा रहा है अपने एनपीए दोस्तों के, भगौड़े दोस्तों के द्वारा इस देश को जो आर्थिक ये दोस्तों को क्यों लेके चले आते हैं आप लोग? मुझे लगता है कि इस देश का कोई प्रधानमंत्री इतिहास में ऐसा नहीं दर्ज होगा जो एक भगौड़े के साथ कभी मंच साझा करता हुआ दिखा हो। अच्छा। लेकिन आपको याद होगा एक आर्थिक सम्मेलन में हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब शिरकत कर रहे थे तो इस देश का एक भगोड़ा उस मंच पे था और मंच को साझा कर रहा था। भगोड़ा साबित होने के बाद की पहले भाई देखिए, देश में तो भगोड़ा साबित था वो। अच्छा। अंतरराष्ट्रीय पटल पे तो उसकी अगर बात मान ले तो उसने भाजपा को भागने के लिए चंदे दिए, उसका वक्तव्य, ये तो न्यूज खबरों में ये भी आता है। अच्छा। लेकिन मैं तो अपने देश की बात करूंगा, अंतरराष्ट्रीय खबरों पर मैं उतना विश्वास नहीं करता, क्योंकि जैसे इनकी बात की जाए भाजपा वालों की, तो भाई ये तो आपातकाल में या महामारी काल में ये तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के जब सर्टिफिकेट पे सबसे ज्यादा वाहवाही बटोर रहे थे, जब उन्हीं संस्थाओं ने आंकड़े जारी कर दिए तो ये उनकी आलोचना में लग गए। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, एक समय था बीबीसी की वाहवाही करते समय थकते नहीं थे, उसी बीबीसी की जब डॉक्यूमेंट्री आई तो मुझे लगता है कि अरे फिर बीबीसी लेके चला लगा दिया गया। बीबीसी पहले पहले भी कार्रवाई हुई है, इंदिरा गांधी सरकार में भी कार्रवाई बीबीसी पे हुई है। आपने एक सवाल पूछा, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी। अब इन्होंने प्रयागराज की बात की, बुलडोजर कार्रवाई, बुलडोजर पे वाहवाही लूटने वाले सदन में आज आंख दिखाने वाले, कानपुर की घटना पे कहां था? कानपुर की घटना पे बुलडोजर चला गया किसी अधिकारी के घर पे, उन गैर जिम्मेदार भाजपा नेताओं के घर पे जो वहां गालियां दे रहे थे खड़े होकर के पीड़ित के परिवारों को, उन अधिकारियों पे जिन्होंने उसके घर के उसके बच्चे को निर्वस्त कराया थाने में। मैं तो पूछा उस समय वाहवाही लेने की जगह ये मौन क्यों साध करके बैठे थे, इसका भी जवाब दे दे भाई। बुलडोजर पे वाहवाही है, अच्छी बात है, कार्रवाई कर रहे हैं, हम भी स्वागत कर रहे हैं इसका, लेकिन आलोचना अगर है तो उसका समर्थन अगर आप कर रहे हैं कि ये चीज आज बुलडोजर वाहवाही है, तो कानपुर की घटना पे बुलडोजर मौन क्यों था और मौन आज भी है? कानपुर की घटना पे तो आज भी है। अब दूसरी बात पे आता हूं। जी। इस देश में सबसे बड़ी बात आपको समझना पड़ेगा, जो सरकार बजट का 50% हिस्सा भी खर्च नहीं कर रही है, इसके पीछे कारण आपने समझा, मैं आपकी आपने बात काट दी थी मेरी, ये जो आर्थिक आपातकाल इस सरकार ने लगाया है ना, ये अपने बड़े मित्रों का इमरजेंसी है। क्या इमरजेंसी? आर्थिक आपातकाल है ये, आर्थिक आपातकाल ही है। एक आम जनमानस के जेब से पैसे वसूल, इन्होंने कहा ना 80 करोड़ लोग सरकार पे आश्रित है, इसको आप आर्थिक आपातकाल नहीं मानते? 80 करोड़ की जनसंख्या सरकार के ऊपर अगर आश्रित है तो ये आपातकाल ही तो है, आर्थिक आपातकाल है। हमारे देश के बड़े बड़े बैंकों के ऐतिहासिक एनपीए, उनकी वसूली हमारे जेब से की जा रही है।
अच्छा, उन भगोड़ों को वापस लाने में क्या समस्या है? अच्छा चलिए एक बात और बताइए, सरकार ला रही है, एक बात बताइए गौरव भाई जी, किस भगोड़े के संपत्ति पे बुलडोजर चला अभी तक? आप मुझे एक नाम बताइए इस देश में 2014 के बाद जितने भगोड़े भागे किसकी संपत्ति पे बुलडोजर चला? संपत्ति जब्त की गई है मेरे भाई, जब तो की जा रही है, मैं जब्त की गई, मैंने पूछा संपत्ति जब्त करना और उनको नीलाम करके पैसे वसूलना दो अलग बातें हैं जी। संपत्ति आप नीलाम करते, वसूली करते, नीलाम भी की, जीरो बैलेंस अकाउंट खरीदा गया, सुन लीजिए, जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाया गया गांव गांव में जी, ये बता करके कि किसानों को आश्रित नहीं अब मजबूत करना है आर्थिक रूप से। जल्दी बोलिए, अब जीरो बैलेंस अकाउंट के नाम पे उनके अकाउंट मेंटेनेंस का पैसा क्यों काटा जा रहा है? अभी तो एक और इन्होंने नया लाकर प्रस्ताव रख दिया है कि अब जो प्राइवेट निजी बैंक है 1 तारीख के बाद से, 1 अप्रैल अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, 1 अप्रैल से उसमें भी 4 ट्रांजेक्शन के बाद पैसे देने पड़ेंगे हर ट्रांजेक्शन के। सेविंग अकाउंट को, करंट अकाउंट को सबको एक तरह से समाहित कर दिया, तो भाई अगर आप सबको एक ही नजरिए से देखते हैं तो करंट अकाउंट की तरह सेविंग अकाउंट वालों को ओडी फैसिलिटी दे दीजिए, बिल्कुल ओडी ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी दीजिए जी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जो रेट है रेपो रेट आपके आरबीआई बढ़ा रही है वो सबके लिए सुलभ कर दीजिए, बिल्कुल आपकी मुद्रा योजना का लाभ आधे से ज्यादा बैंक मैनेजर तो देते ही नहीं किसी को, बिल्कुल जब तक कि उनके जानने वाले लोग ना हो, प्रभावित करने वाले लोग ना हो जी। अब मैं आता हूँ सबसे बड़ी बात जो आपको मैं आंकड़े देना चाहूंगा कुछ, अगर आप मुझे 10 सेकंड का समय और दें। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एक आंकड़े जारी करता है, लास्ट ईयर 2022 के आंकड़े हैं ये, क्योंकि इस साल के अब आएंगे, मुद्रा स्फीति 15% से ऊपर थी 8 साल के सबसे उच्चतम स्तर पे जी। ये संस्था जो है ना आपकी है ना हमारी, ये केंद्रीय स्वायत्त संस्था है तो ये अपने स्तर पे काम करती है, रिसर्च का काम है। 2021 में जो मुद्रा स्फीति की दर 10.74% थी आज वो 15.8% होती है 2022 में, और इस साल तो महंगाई और बढ़ा करके इन्होंने धन्य कर दिया, उसके आंकड़े भी आ जाएंगे। अच्छा, फूड आर्टिकल्स 8.35% अप्रैल में सबसे उच्च स्तर पे था जो मार्च में 8.06% पे था। ईंधन बिजली बास्केट थोक महंगाई और पैक्ड आइटम 34.52% से बढ़कर 38.66% पे चले गए। अच्छा, मैन्युफैक्चर चीजों में जी मार्च में 10.72% की जो वृद्धि थी वो अप्रैल में 10.85% हो जाती है। अच्छा, और खुदरा महंगाई जो इनकी 7.8% थी मई 2014 के बाद ऐतिहासिक रूप से बढ़ती गई जिसपे इनका नियंत्रण विफल रहा। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, चलिए मैं कहता हूँ कि इस देश में महंगाई नहीं है, मान लिया आपकी बात को, ठीक, क्या कारण था कि सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों और कॉलेजों को सौंपने की तैयारी करनी पड़ी सरकार को? अच्छा, 2020 की शिक्षा नीति के बाद जी, अगर आर्थिक आपातकाल नहीं है तो क्या कारण है कि सरकार देश का जो अपना बजट लागू करती है उस बजट का 50% भी खर्च नहीं करती है? अगर आर्थिक आपातकाल नहीं है तो क्या कारण था कि जो आप वाहवाही लूट रहे थे कि अब इंडस्ट्री आ गई, उद्योग में निवेश आ गया, देखिए खबरें ये चल रही थी निवेश आ गया, तो बजट 7 लाख करोड़ का क्यों आया? क्यों नहीं वो 40 लाख करोड़ का आया? 33 लाख करोड़ कहाँ उड़ गए भाई? अच्छा, और 1043 एमओयू जो पहले कार्यकाल में इन्होंने किए थे वो कहाँ चले गए? ठीक, तो मुझे लगता है देखिए जो गैप होता है उसको भी बाइफर्केट करके उसका भी आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहिए, अच्छी सरकार का सुशासन ये कहता है। ठीक है, ठीक है, आ रहे मैं, क्या राय है आप? देखिए गौरव भाई जी, महंगाई के मुद्दे पर आपने डिबेट बुलाई है, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता शफात भाई बड़ी अच्छे तरीके से व्याख्या कर रहे थे महंगाई की और खराब की क्या महंगाई है या नहीं है। अच्छा, उनको महंगाई नहीं लग रही है? नहीं, अब उनको क्या लगेगी? कि जनता के पैसे लिए जा रहे बढ़ रहा है, उनको नहीं लगेगी? मैं विकास पे खर्च किया जा रहा है, मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए महंगाई, मैं इन्हीं से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि जब 450 रुपये में सिलेंडर हिंदुस्तान के अंदर था तब इन्हीं की एक मंत्री थी वीरांगना देवी जी निकली सड़क पर सिलेंडर रखा और सिलेंडर पे दो दो चार चार बार जाकर के बैठ गई वो। अच्छा, कि सिलेंडर महंगा है, सिलेंडर महंगा है। अब या तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है या ये भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त हैं, मैं तो प्रवक्ता सहित कहूंगा ये उनको एक बार निकाले, निकाल करके ले आवे, इतना तो बता जा करके हाँ वाकई सिलेंडर जो है इस वक्त 1140 रुपये। अभी 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 ये कह रहे थे कि तब जो है 20,000 रुपया तनख्वाह थी, आज तनख्वाहें जो बढ़ गई हैं, सैलरी बढ़ गई है और आज महंगाई भी बढ़ गई है, तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ तब 60 साल की नौकरी आप दिया देश में हुआ करती थी, आज आप 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। अच्छा, आप किन आधार पे दे रहे हैं और आप उसको महंगाई से आप जोड़ रहे हैं, आप उनको तनख्वाह से आप जोड़ रहे हैं, ये सब इनको भी बैठ करके एनालिसिस करना चाहिए और तब जा करके इतने बड़े चैनल पर 22 करोड़ की जनता के सामने इनको ये कहना चाहिए कि हाँ महंगाई देश के अंदर नहीं है। अब मैं एक सवाल इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी बड़े ईमानदार हैं, आपको मानना होगा प्रधानमंत्री जी, योगी जी, सारे लोग, मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ,
देश को इतना बड़ा चूना लगाने वाला अडानी, जो प्रधानमंत्री के साथ पूरी दुनिया में घूम घूम करके अपना बिजनेस समेट रहा था, और मोदी जी ऑस्ट्रेलिया तक में उनके साथ बैठ करके उनको बिजनेस दिला रहे थे, और आज जब वो एक भ्रष्ट हो गया, आज जब बेईमानी का पैसा हड़प करके बैठ रहा है, तब मोदी जी को क्या बेईमानी उसकी नहीं दिख रही है? उसके लिए जांच कराने के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं? तो ये ईमानदार कहना देश के प्रधानमंत्री को अपने छोड़ दें, और इनको ये कहना चाहिए कि हाँ, भ्रष्टाचार के प्रति अडानी के खिलाफ जांच इस देश के अंदर करानी चाहिए। इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप एक बंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट को आप सौंप रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको झटक के बाहर कर दिया कि ये सब सुझाव हम आपका बेईमानी वाला नहीं मानेंगे। पूरे देश की जनता ने आपको देखा है। पर मैं आपको आर्य भाई जी बता रहा हूं, जी गौर करूं आपको, कि जब भी देश के प्रधानमंत्री या कोई प्रदेश मंत्री कहीं जाते हैं तो उनके साथ एक कॉर्पोरेट डेलीगेट जाता है। अरे तो एक ही है देश के अंदर जी, एक ही है अडानी जी हैं, और ईमानदारी से उनको बोलना चाहिए। अच्छा। और अगर नहीं बोलेंगे तो हम लोग बीच में इंटरप्ट करेंगे ना, गलत नहीं बोलने देंगे। अगर आपने बुला रखा है विपक्ष को तो हम गलत नहीं बोलने देंगे इनको भी। मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है, हमको विपक्ष बता रहे हैं, नहीं नहीं विपक्ष की, मैं विपक्ष में मैं हूँ, आप सत्ता में, आपको बोलने नहीं देंगे। मैं गलत नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा आपकी तरीके से, मगर मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए कई तरीके से हैं। अब 50 रुपया इन्होंने आज सिलेंडर का दाम बढ़ाया, आप ये बताइए कि किन आधारों पर आपने बढ़ा दिया? आज LIC को ले डूबे आप, PNB को ले डूबे आप, स्टेट बैंक को आप ले डूबे आप, तमाम संस्थाओं को आप लेकर के डूब गए, जनता का पैसा आपने डुबो दिया। अडानी जी देश के अंदर घूम रहे हैं, आप उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, जांच नहीं कर रहे हैं, आज आप जनता की जेब से पैसा वसूल करके फिर आप एक नया लोन देने के लिए आप तैयार हो रहे हैं। अच्छा, ये जनता को आप कब तक ठगेंगे? कब तक आप इस जनता को गरीब दर गरीब बनाते चले जाएंगे? दाल आपने छीन लिया गरीबों की थाली से, आप दाल हो, वो क्या कहते हैं, आटा हो, चावल है, दही है, दूध है, सब पर आपने GST ला करके ठोक दिया। ये आपकी ईमानदारी से आप देश चला रहे हैं? देश को तो आप रसातल में डाल रहे हैं, देश को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने, इस देश की गरीब जनता की कमर तोड़ दिया। होली के मौके पर आपने बढ़ा दिया, आप बताइए उज्ज्वल योजना में आपने सिलेंडर दिया, कौन सा गरीब, आप सारे उज्ज्वल योजना के आप लाभान्वित हो, आप उनके उनके घर पर आप चले जाइए, आप जा करके देखिए, दोबारा बेचारे सिलेंडर नहीं भरा पाए हैं वो जी। आप झूठी झूठी स्कीम लेकर के आ रहे हैं, इतने करोड़ हमने अकाउंट हमने खोल दिए, कौन सा आपने तीर मार दिया? अरे इस देश के अंदर जिसको जरूरत थी अकाउंट लोग खोलता है, आपने तो कहा कि 0% पर हम अकाउंट खोलना है, आपका पैसा सारा। ठीक है इमरान भाई, इमरान लतीफ कैसे बोलेंगे भाई, आप बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए गौरव भाई जी, महंगाई की जहां तक बात है तो पूरे देश की बात करें चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर तबका है, जो किसान तबका है, वो आज महंगाई के मार से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। क्या बात। मैं सिद्धार्थनगर जनपद से आता हूं, हमारे बगल के एक शायर हुए हैं पड़ोसी जनपद के आदम गोंडवी साहब, बिल्कुल उन्होंने एक गरीब के घर की जो महंगाई से जो तप रहा हो घर जी, अपने एक शेर में दो लाइनों में उसको स्पष्ट किया है जी, कि चीनी नहीं है घर में लो मेहमान आ गए। अच्छा, चीनी नहीं है घर में लो मेहमान आ गए, महंगाई की भट्टी पे शराफत उबाल दो। क्या बात। तो हालत ये है, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करेंगे तो वो हर तरफ आपको हरा हरा दिखाएंगे, हर तरफ आपको वो हर तरफ आपको रामराज की झलक दिखाएंगे। दरअसल समस्या ये है कि अभी और खून चूसा जाएगा आम लोगों का। अच्छा, ये होना है, पूछिए क्यों, बता दीजिए। क्योंकि मोदी जी के जो परम मित्र हैं, जिनकी कृपा दृष्टि पर भारतीय जनता पार्टी पलती है, आप भी मित्र लेके आ गए जी। गौरव भाई मैं बिल्कुल तर्कों के साथ बात करूंगा, बस आप सुन लीजिए 2 मिनट तक मुझे। सुनाइए सुनाइए। मोदी जी के जो परम मित्र हैं, जिनकी कृपा दृष्टि पे भारतीय जनता पार्टी पली बढ़ी है, मोदी जी पले बढ़े हैं, चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं, जिनके पैसे के दम पर, आज वो संकट में हैं। अच्छा, आज वो घाटे में जा रहे हैं, उनके घाटे की भरपाई कैसे होगी? अब आप बताइए, 2.5 लाख करोड़ का उनको कर्ज दिया गया, 84,000 करोड़ चलिए माफ कर सकते थे, माफ कर दिया, अब ये 84,000 करोड़ की भरपाई कहां से होगी? इसमें तो हमारा आपका ही खून चूसा जाएगा ना, हमारे आपके पॉकेट पे ही जो है वो सेंधमारी की जाएगी, तब ना इसकी भरपाई होगी। आप सोचिए
कि जो कॉर्पोरेट टैक्स पहले 30% हुआ करता था उसको 22% कर दिया, इतने में पेट नहीं भरा, 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ कर दिया, 11 लाख करोड़ का लोन माफ कर दिया बेईमान पूंजीपतियों का। तो ये सब जो पैसा बेईमान पूंजीपति मित्रों के ऊपर लुटाया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इसकी भरपाई कहां से होगी? ये इसकी भरपाई तो यही गैस से होगी, पेट्रोल से होगी, डीजल से होगी, दाल पे जो जीएसटी लगाएंगे, गेहूं पर जो जीएसटी लगाएंगे, दही पर जो जीएसटी लगाएंगे, बच्चों के जो पीने वाला दूध है उस पर जो जीएसटी लगाएंगे, जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, जो किडनी की बीमारियों की दवाएं हैं, कैंसर की बीमारियों की दवाएं हैं, उस पर जो बड़ा बड़ा आप जीएसटी लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे, उन्हीं से तो वसूली होगी ना इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है, और इनसे आप उम्मीद करेंगे कि महंगाई पर, और ये अपनी पीठ थपथपा रहे, अभी कह रहे थे कि तनख्वाह बढ़ी है भैया। अरे मैं तो ये समझता हूँ, मैंने जितनी जानकारी मुझे है कि पिछली सरकारों में शिक्षा मित्रों को 25,000 रुपए प्रति माह मिलता था और अब 10,000 रुपए मिल रहा है भैया, बढ़ गई ना, ये कौन सी वृद्धि है मुझे नहीं समझ में आ रही। अच्छा 25,000 से 10,000 हो गई और इसको ये वृद्धि बोल रहे हैं, तो अब इनके इनकी इनकी जो गणित है यही समझेंगे। राशन दे रहे हैं ना, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब अच्छा राशन दे रहे हैं, उसपे सीना ठोक रहे, शर्म नहीं आती है? राशन बांट रहे हैं, मतलब कहना नहीं चाहिए, जुमला सख्त है। 80 करोड़ लोगों को आपने देश के भिखारी बना दिया है, यानी उनकी सांसें तब चलेंगी जब उनको आप 5 किलो राशन देंगे, और आप इसको देश की तरक्की बता रहे हैं, अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। अच्छा तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इससे बेशरम सरकार। अच्छा आप दिल्ली में जब मुफ्त बिजली देते हैं तो वहां पर तरक्की कराते हैं क्या? इसका जवाब भी दे दीजिए, वो भी मुफ्त जाती है 300 यूनिट तक। देखिए मैं वही बात कह रहा हूँ, अरे कितनी अच्छी बात, मैं कह रहा हूँ कि भाई दिल्ली के अंदर हम शिक्षा भी तो फ्री में दे रहे हैं। अच्छा हम अस्पताल में इलाज भी तो फ्री में दे रहे हैं। अच्छा और उसके साथ साथ हम घाटे का बजट नहीं पेश कर रहे हैं, मुनाफे का बजट पेश कर रहे हैं। क्या बात है, तो हम तो बेईमानी नहीं कर रहे हैं ना, हम बेईमान पूंजीपति मित्रों के ऊपर तो नहीं लुटा रहे भाई, बात तो मैं कह रहा हूँ। अगर 80 करोड़ को राशन मिल रहा है तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है बच्चों को भाई? 11 लाख मेरा जनता का सबकी है ना, जनता सबकी है। दर्द है मुझे, दर्द इस बात का है कि 11 लाख करोड़ रुपए जो बेईमान पूंजीपति मित्रों पर लुटाए जा रहे हैं, 1 रुपया अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसी बेईमान पूंजीपति पर लुटाया हो तो बताइए। अच्छा अरे हम जनता के टैक्स का पैसा जनता को वापस दे रहे हैं, हम उस पर अपना सीना नहीं ठोक रहे हैं कि हम फ्री में बिजली दे रहे हैं, वो जनता के टैक्स का पैसा जिसे हम उसको वापस दे रहे हैं। सिंह समाज से भी, समर भाई यहाँ पर अगर दाम बढ़े हैं तो सबकी अपनी अपनी राय है, भाजपा की राय है विकास के लिए अगर पैसा बढ़ रहा है तो उससे विकास भी हो रहा है, और 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है जो कि बड़ी बात है, तो विपक्ष का कहना है स्पष्ट रूप से कि यहाँ पर गरीब बढ़ रहा है इसलिए राशन देना पड़ रहा है, कोई संतुष्ट नहीं है। आपकी क्या राय है एज ए समाजसेवी? सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस परिचर्चा में शामिल किया। दूसरा, मैंने सभी लोगों की वार्ता को सुना और इसमें मैं बिना लाग लपेट के और कोई राजनीतिक टच दिए हुए मैं एक आम आदमी की तरह बात करूंगा, क्योंकि मैं नौकरी पेशा आदमी रहा हूं और मध्यम वर्ग से आता हूं। बिल्कुल। और मैं उन चीजों को बहुत संवेदनशील तरीके से देखता हूँ। मुझे केवल 2-3 बिंदुओं पर बहुत शालीनता से बात रखनी है। एक सज्जन ने अभी बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने डाटा पे बात की 80 करोड़ लोगों को खाना और राशन देने की। मैं एक बात, सभी लोगों ने यह भी वित्त मंत्री महोदय का ये 2.0 का भाषण बजट वाला सुना होगा। जी, इसमें उन्होंने जो 7 लाख का सालाना का जो आय पर जो रिबेट देने की बात कही, उसमें 2-3 चीजें बड़ी रिमार्केबल हैं कि उन्होंने कौन कौन से रेट किन चीजों को सस्ता करने की बात कही। जी। साइकिल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, मोबाइल, सिगरेट महंगी होगी, इसमें कहीं रोटी कपड़ा दाल चावल सस्ता करने की कहीं बात नहीं। जी बिल्कुल सही बात। दूसरी इस सरकार का जो विकास का नारा है, शायद
इसका विकास का लक्ष्य दो ही है, आदमी गिरा दो और बिल्डिंग गिरा दो, यही विकास नहीं हो सकता है। अच्छा। 50 रुपए सिलेंडर बढ़ा देना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, मान लिया आपने बढ़ा दिया जी। लेकिन ये ओवरऑल क्यूमुलेटिवली ये पूरी इकोनॉमी को हैम्पर करता है, बिल्कुल हमारी डे टू डे कॉस्ट बढ़ती है और कलेक्टिवली ये हमारी एक लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करती है, इससे शायद हर वर्ग प्रभावित होता है। और जो हमारे देश का जो इकोनॉमी स्ट्रक्चर बेस्ड है, जो टैक्स पेयर क्लास है, वो सेगमेंट है जो सबसे अधिक अफेक्टेड होता है, वो ना ये राशन के लाभ में आता है ना वो ये राशन लेने जाता है, उसको उसके ऊपर ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। मात्र 50 रुपए से कोई उसको एक दिन दो दिन में फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल, लेकिन इससे हर चीजें जो कनेक्टेड हैं, रोजमर्रा की जिंदगी, उसकी लाइफ साइकिल सब डिस्टर्ब। और क्या होता है इससे, क्या जो हमारे यहाँ काम करने वाले वर्ग होते हैं वो भी कहते हैं साहब महंगाई बढ़ गई है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ गया है, सैलरी बढ़ाई महंगी होती है, तो ये ओवर सब चीजें महंगी हो गई, इंटरलिंक्ड होती है, तो ये सारी चीजें उस आदमी को प्रभावित करती है। एक बात हम इस बात की समीक्षा नहीं कर पाए हैं और आज तक कोई गवर्नमेंट ये डेटा नहीं दे पाई है कि हमने इतना टैक्स वसूला और हमने इतने का बुल इसका पुल और ब्रिज बना दिया, इतना विकास सही का। हाँ, वो सब चीजें, वो सब कॉपी बुक स्टाइल में आप कुछ भी बात करें, ये डेटा बजट में केवल सारा आंकड़ों का खेल होता है, वो चाहे कोई सरकार हो। मेरा केवल एक आम आदमी की तरह कहना है, सरकार को थोड़ा संवेदनशील होने की आवश्यकता है। भले आदमी विकल्पहीनता की दशा में आपको चुन रहा है, लेकिन वो बड़ी बात कही आपने समर जी, कि विकल्पहीनता के कारण चुन रहा है, विकल्पहीनता की दशा में आपको चुन रहा है, इसका कदापि ये आशय नहीं निकालिए कि आप बहुत राम राज्य ला चुके हैं। क्या बात, ऐसा नहीं है, मैं किसी एक उसकी बात भी नहीं करूंगा कि अभी जो हम लोगों ने जो कार्रवाई देखी जिसमें तीखे तंज और जिस तरह की बात थी, हम आज एक निष्पक्ष संवेदनशील सरकार की अपेक्षा करते हैं जो मानवीय मूल्यों पे खरा उतरे। लॉ एंड ऑर्डर हमारा बड़ा प्राइम कंसर्न रहता है, उसके साथ साथ हमें सरवाइव करने के लिए भी हमें वो चीजें मैटर करती, अगर वही नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर क्या देखेंगे, जिंदा रहेंगे ना तब हम लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे, क्या बात, जब भूख से ही मरेंगे तो वो चीजें। अब कहते हैं अगर मान लीजिए कि एक अगर हम दूसरे सेगमेंट में हम बात करें, जो आज स्मृति ईरानी जी जो पूर्व में उन्होंने जिस तरह सिलेंडर ले लेके घूमती थी, आज 100% उसमें वृद्धि हुई है जी। क्या उसी रेशियो में हम, एक बहुत छोटा सा सवाल, 400 रुपए का सिलेंडर था आज 1103 रुपए का हो गया है, आप इसकी गणना कीजिए कितने परसेंट हो जी। इससे केवल एक सिलेंडर नहीं, एक रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने वाले सभी वर्ग हुए हैं, इस पे सरकार को जरूर मनन करना चाहिए जी। दूसरा एक बिंदु अभी एक सज्जन ने उठाया जो बहुत अच्छी बात थी, आज आम आदमी एक एंड से नहीं परेशान है, उसको कलेक्टिवली परेशान किया गया जी। आज बैंक में आप खाता खोलिए तो आप मेंटेनेंस के नाम पर आप पैसा दीजिए, आप उसमें जितने आपको कोई आपकी आवाज डिस्टर्ब आ रही है जी, बोले हाँ, अकाउंट में अगर आप देखते हैं कि हाँ, अबारी क्लियर, जैसे मिनिमम बैलेंस रखने के नाम पर कटौती, आप 3 ट्रांजेक्शन के नाम पर कटौती, आप बैंक के इस ये क्या आम आदमी को राहत दे जी। शायद संपर्क ले जा रहे हैं जी, बोलिए हेलो, आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी जी, तो मैंने एक विषय इसके साथ साथ और रखा कि केवल 50 रुपए सिलेंडर ही नहीं, हमारी पूरी रोजमर्रा की जो लाइफ साइकिल है उसमें बहुत से छोटे छोटे ऐसी चीजें हैं, तमाम चीज प्रभाव पड़ेगा ठीक है ठीक है ठीक है, सरकार को अगले टर्न में आता हूँ ठीक है। नेता भाजपा सपा सर भाई, यहाँ पर तमाम दिक्कतें सपा भाई, आपकी बातों संतुष्ट नहीं है और इमरान भाई कह रहा है 80 करोड़ लोग राशन दे रहा है, इसका अर्थ है कि 80 करोड़ लोग परेशान हैं, आपके राशन पे आश्रित हैं, वही आपकी उपलब्धि नहीं है, इस पे आप अपनी पीठ न थपथपाइए, क्या राय है सबकी जनता की। गौरव जी, जिस तरह हमारे सब विवेक जी भाई ने कहा और इमरान जी को मैं सुन रहा था और आरिफ भाई भी बोल रहे थे, देखिये राशन की दुकानें पहले भी थी। अच्छा, इस चीज को समझना होगा कि भाजपा ने आके इस सब चीजों को फ्री
बांटना नहीं शुरू किया है। अच्छा। पहले लोगों को मिलता नहीं था, गांव देहात में लोगों को भगा दिया जाता था। अच्छा। और जो कोटेदार होता था वो ले जाके राशन और मट्टी का तेल जो भी होता था बाजार में बेच देता था, काला बाजारी होती थी। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो सिस्टम अपनाया, जो आधार कार्ड अपनाया, उससे जो लोग मुस्तहिक हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनको राशन मिल रहा है। ये इसलिए हमारे पास आंकड़े हैं कि पूरे भारत में लगभग 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। इनकी सरकारों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या ये बताएंगे कि इनकी सरकार में किन किन लोगों को राशन मिलता था? आप जाइए मट्टी का तेल लेने, नापने वाले में पीछे ऊपर दबा दिया जाता था, कम तोला जाता था, कोई आदमी गरीब आदमी बोल नहीं पाता था। आज इस सरकार में पूरा का पूरा लोगों को लाभ मिल रहा है, इसलिए इनको आप पहले चीनी भी मिलती थी, पहले मिट्टी का तेल भी मिलता था, आप मॉनिटरिंग कर सकते थे, आप चीनी मत कम करें, ना करें, आप चीनी देते रहते, मिट्टी का तेल देते रहते, सरकार आपकी मॉनिटरिंग करती रहती, आप क्यों भाग रहे हैं मॉनिटरिंग करने से? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में अपना वर्चस्व बता रहे थे। अरे वर्चस्व आप छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय लोकतंत्र पूरे उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए। आपकी सीटें कितनी हैं विधानसभा में बताइए, आप घूम घूम कर आप वहीं जा रहे हैं, आप सुनिए, जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया आपको, जनता मुंह तोड़ जवाब आप सबको 24 में देगी, ये बड़े ढंग के पूरे देश की जनता आज जवाब आपको देने जा रही है। अगर जनता को कोई लाभ मिल रहा है तो आप खड़े आप बताइए सारी साफ हो गए, ठीक है, हाँ ताली बजानी चाहिए, ये बहुत अच्छा काम है, ताली बजा रहे, ये बहुत अच्छा काम है। आज आज किसी की हिम्मत होती है, अगर कोई कांड करता है तुरंत पुलिस रिएक्शन में आती है और काम करती, उसका जवाब देती है। आप बताइए कि मुख्यमंत्री आवास से फोन जाता था कि इनको छोड़ दीजिए, संरक्षण संरक्षण प्राप्त होता था, मुख्यमंत्री संरक्षण प्राप्त आज 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 में भी आप देखिए दो लोगों को घर में भेज दिया गया है, आप बुलडोजर चलवाइए,
ये सत्ता में है जी, मुझे लगता है कि सत्ता को संयमित होना चाहिए जी। यहाँ ये सत्ता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इनका हतोत्साहित इनको होते देख के मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा कि सत्ता पक्ष में किए हैं। मतलब आपके पास तो तथ्य है, आपने इतना विकास किया तो चिल्लाने की आवश्यकता। जनता मेरे साथ है, रुक जाइए रुक जाइए, जनता मेरे साथ है, इसीलिए आप सत्ता से बाहर हो। जनता हमारे साथ है, इसीलिए हम भी विपक्ष में बैठे हैं। जनता आपसे त्रस्त हो चुकी थी, इसीलिए विधानसभा में हम भी बैठे हैं। आपके सामने सवाल पूछने के लिए हम भी बैठे हैं। अगर जनता केवल उसके साथ होती है जो जीत रहा है, तो मुझे लगता है पहले इनको पॉलिटिकल साइंस सिखाइए भैया जाकर के। जनता साथ होने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आप सत्ता में है तो जनता आपके साथ है। आपके वोट प्रतिशत गिरे हमारे बड़े हैं, जनता को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जनता मेरे साथ है। उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी बाहर कर दिया गया, वहाँ ये कानून व्यवस्था की बात करेंगे। 15 साल तक सत्ता से बाहर थे, 15 साल तक जनता ने सत्ता से बाहर रखा, क्योंकि जनता जानती थी कि कहीं ना कहीं देश को लूटने का काम करेंगे। लूट खसोट करने में एक माइक ईडी की जांच होती है, केवल विपक्ष में 3 हजार से ज्यादा छापे ईडी के विपक्ष में, और सबसे बड़ी बात कोई गुंडा कोई गुंडे जो है, अरे कैसे होगा, गुंडे तो सदन में बैठे, सदन में नहीं बैठे, आपकी पार्टी में बैठे। ये नाम पढ़ दूं, ये नाम पढ़ दूं, 18 नाम पढ़ दूं, केवल ये 18 नाम पढ़ दूं, ये 18 नाम, कुलदीप सिंह सेंगर, विजय सिंह, धर्मेंद्र सिंह, डॉक्टर जवाहर सिंह, अशोक चंदेल, नील सिंह, बृजभूषण, चुलबुल सिंह, गोंदून सिंह, सोना सिंह, अजय सिंह, पिंटू सिंह, संग्राम सिंह, चुन्नू सिंह, बाजा सिंह, 28 मुकदमे, 106 मुकदमे, 46 मुकदमे, 31 मुकदमे, 83 मुकदमे, जनता भूली नहीं है। आवाज बंद हो जाती है क्या? बताइए ना, आवाज बंद हो जाती है क्या? अरे बंद हो जाती है क्या? आवाज बंद हो जाती है क्या? अरे ये देखिए रट्टू तो किधर बैठे, जनता भूली नहीं है। में जो जितना बड़ा झूठ बोलता है, जितना बड़ा पद पाता है, जेपी नड्डा को देख लीजिए ना, एम्स मदुरई में तैयार था, 95% तैयार था, और ये सत्ता है, ये सत्ता है, देश की सत्ता की हालत है ये, बीमार मानसिकता वाली सत्ता, कमजोर मानसिकता वाली सत्ता। अच्छा देखिए रट्टू को सुन लीजिए, लाउची बार बोल रहा है, सुन लीजिए जमाल भाई, सुन लीजिए बारे बारे बोले, बारे बारे जमाल भाई सुन लीजिए, ये भाजपा का चरित्र है। अच्छा अच्छा सही भाजपा, अच्छा ये भारतीय भाजपा, अच्छा जमाल भाई सुन लीजिए, कौन लगे करा दे भाई, चलो ठीक है, हो गया हो गया, आ गई बात, आ गई आ गई, चलिए चलिए हो गया हो गया हो गया। अच्छा अच्छा कोई मानता नहीं, चलो ठीक है, चलो ठीक है, हो गया बात आ गई, बात आ गई, बात आ गई, ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। मैं अब्दुल भाई समान भाई हो गया, विवेक भाई प्लीज, विवेक भाई, विवेक भाई प्लीज, विवेक भाई प्लीज प्लीज, समान भाई, समान भाई, समान भाई हो गया, समान भाई सुनिए, आपसे समाज से भी समान भाई ने सवाल किया था कि विकल्पहीनता के कारण आप लोगों को चुन लिया जाता है, अब कुछ बोलना चाह रहा है, बोलिए समर विजय सिंह जी। मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, जिस विषय पर हम लोग चर्चा के लिए यहाँ पर मंच पर हैं, बिल्कुल चर्चा से विरत होकर जो बहस, और यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है भाई, ठीक है, बढ़िया बात है, यही लोकतंत्र हो चुका है आजकल। मेरा एक सवाल कहना है जी, कोई जीत जाना इस बात का द्योतक नहीं है कि आपकी सर्वस्वीकार्यता, चलाइए चलाइए चलाइए, आपकी वाहवाही नहीं कर रहे, ये लोकतंत्र है, यहाँ कोई जीतेगा कोई हारेगा, जो हारा है वो फिर जीतेगा जी। और जो सरकार बनाती है उस पार्टी की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करे, क्या बात, तो ये कोई अलग और अनोखा कार्य नहीं है, जो भी गवर्नमेंट होगी ये ड्यूटी है और ये उसकी मॉरल ड्यूटी है और हम उनसे निवेदन करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इसका भी कार्य है कि वो हमें रोजगार के अवसर विकसित करें, ना कि हमें केवल एक पैकेट रोटी और खाने की व्यवस्था के देखे। इसके साथ साथ ये सरकार की ही नैतिक जिम्मेदारी है, उसमें रेवेन्यू जनरेशन के जितने भी मैक्सिमम तरीके इजाद हो सकते हैं वो आए, और साथ में इस बात के लिए भी ध्यान रखें कि महंगाई की मार में जो सबसे अधिक वर्ग प्रभावित होने वाला है उसको किसी तरह कम से कम मिनिमाइज, खत्म नहीं हो सकता इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे, मैं मानता हूँ, लेकिन उस पे कम से कम उस पे जो भी प्लानिंग हो, जो भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तय किया जाए या तैयार किया जाए वो उनके अनुकूल हो, ना कि इसमें देखिए आज
यहाँ की जनता भी एक चीज समय के साथ साथ इस चीज को आसानी से समझ जाती है, भले वो क्रिया प्रतिक्रिया आज न दे रही हो आगे भी देगी। ये मौन चाप है, इसको एहसास करना चाहिए। मैं न्यूट्रल आदमी की तरह बात कर रहा हूँ, मेरे पास आज अगर मैं एक बिना बायस हुए मैं कहूँ कि मैं ठीक है, मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अगर एक आम आदमी की तरह तो मैं दो तीन चीजें अच्छी देखता हूँ, उसमें भी दो चीजें, इनमें भी खराब देखता हूँ, लेकिन अगर टोटेलिटी में मैं इवेल्युएट करूँ तो मैं एक ही चीज पाता हूँ कि इस सरकार के पास केवल वायदे और बातें ज्यादा हैं। थोड़ा सा इनको व्यवहारिक जवाब देना पड़ेगा, सवाल पर जवाब देना पड़ेगा, समाज से भी है। ठीक है, ठीक है, जवाब आप लूंगा, जवाब आप लूंगा। इमरान लतीफ, दो गोली उठाए हुए थे इमरान भाई, ऐसी क्या बात कहनी थी आपको डिबेट में? नहीं देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है गौरव भाई जी, कि सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता दोस्त से हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि जब तक मैं बोलूं तो बीच में ना बोले, वो नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि मैंने उनके बीच में एक शब्द नहीं बोला जी। तो अगर इसको ये कुश्ती समझते हैं, हार और जीत का मैदान समझते, तो मैंने पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है, लेकिन मुझे बात रखनी जी, बोल दीजिए। जहां तक बात है कि बात महंगाई पर हो रही थी जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है। हाँ। इनसे आप बात करोगे ईरान की तो ये चर्चा करेंगे तुरान की, अच्छा आप इनसे बात करोगे अफगानिस्तान की तो बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, लंदन की, अफ्रीका की, अच्छा ये कभी मुद्दे पर रह नहीं सकते, मुद्दे पर जवाब नहीं दे सकते। अच्छा बताइए, आपको याद होगा जब इनकी सरकार बनी थी 2022 के अंदर, दोबारा ये सरकार में आए थे जी, होली से पहले का वक्त था जी, इनके मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि इस बार होली पे हम लोग आपको फ्री में गैस सिलेंडर देंगे। वो होली तो गई, दिवाली भी गई, फिर होली आ गई। हाँ। अगर किसी एक आदमी को एक बात और कही थी, इमरान जी एक बात और कही थी, इमरान जी सुनिए सुनिए, एक बात और कही थी, इस बार खुलकर होली मनाइए क्योंकि जुमा का दिन भी था। ठीक है, अब है ना, पहली बार भारत में उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ था कि लोगों ने खुलकर होली मनाई थी। वो तो गंगा नदी तहजीब है, वो तो गंगा नदी तहजीब है भाई, जी कोशिश जारी है, वो तो हमारे देश की तहजीब है भाई, चारा भाई कोशिश जारी है उस तरफ ले जाने की। अच्छा अच्छा शफायत भाई जी, चिंता ना करिए, होली आ रही है, आइएगा साथ में हमारे। आप लोग तो तैयार होकर बना लिया होगा, कहाँ तक में करवाना है, बना के बैठे होंगे प्लान करके, सिलेंडर नहीं दिया, दिवाली पे सिलेंडर नहीं दिया और फिर होली आ गई, फिर सिलेंडर देने वाले नहीं। अच्छा, तो ये सिर्फ और सिर्फ वादा खिलाफी करना जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करना जानते हैं। और एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, जो हमारे समाज सेवी साथी अभी कह रहे थे, विकल्पहीनता के नाते इतनी बेशरम, इतनी मैं बेशरम नहीं कहा था, बेशरम नहीं कहा था, भ्रष्ट मैं कह रहा हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं, अब मैं कह रहा हूँ। अच्छा, इतनी बेशरम, इतनी कामचोर, इतनी निकम्मी सरकार को बार बार उत्तर प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को झेलना पड़ रहा है, इस नाते कि कहीं ना कहीं विकल्पहीनता है। लेकिन अब धैर्य रखें, वो विकल्पहीनता राष्ट्रीय पटल पर भी हम लोग दूर कर रहे हैं, जल्दी ही एक समाधान मिल जाएगा। जो महंगाई से कैसे टक्कर देनी हो, दिल्ली का मॉडल आपके सामने, कि जब हम बिजली फ्री करते हैं, आपकी अस्पताल का इलाज फ्री करते हैं, आपके बच्चों की शिक्षा फ्री कर देते हैं, महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर देते हैं, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री कर देते हैं, तो आप फ्री देने। महंगाई का बोझ हल्का, इमरान जी गुजरात भी तो गए थे फ्री देने, अरे तो राष्ट्रीय पार्टी तो बन गए, पंजाब तो आप भी आए थे, क्या हुआ? नहीं तो आपका पंजाब में हो क्या रहा है, आप बता दो पंजाब में हो क्या रहा है? अरे अरे पंजाब, पंजाब की भी उपलब्धियां बताइए, पंजाब में पंजाब से बेहतर रिजल्ट दिया है, वही बता रहे हैं, आपका था ना, उससे बेहतर हमारा गुजरात के अंदर है, चिंता ना करिए। राष्ट्रीय पार्टी बना दिया गुजरात वालों ने, 13% वोट मिले हैं गुजरात में, तो आप चिंता मत करिए, गुजरात में तो आप एक घंटे में आपका वोट आप परसेंटेज इतना हो गया जो 6-7 घंटे में नहीं पड़ा वहाँ पर, आप चले जाते हैं, आप इस तरीके से चले गए, वो जीत जाना चाहिए। चले ठीक है, नहीं आप देख लीजिए ना, आपको जाना चाहिए। विवेक पांडे बोलेंगे, विवेक पांडे को बोला था, आपको नहीं समझ में आता। देखिए मैं अपनी बातों को जरा पूरा कर लूं। आज सुरेश खन्ना जी ने एक वक्तव्य दिया है विधानसभा में कि यूपीएसआई स्कैम 9534 से संबंधित हाईकोर्ट में लंबित सारी रिट खारिज हो गई है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा संयमित और धैर्य के साथ कुछ कहने के पहले एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को गरिमामयी संस्थाओं के सही आंकड़ों को, तथ्यों को जान लेना चाहिए। अच्छा, जो इन्होंने कहा वो सफेद झूठ है, लंबित है
कई रिट अभी तक लंबित चल रही है, तो मुझे लगता है कि पहले तो सदन में कल सुरेश खन्ना जी से विनती करता हूं भाजपा प्रवक्ता से कि उनसे कहिएगा इस तथ्य को करेक्ट कर ले। दूसरी बात जी, यूपी में परमानेंट डीजीपी न देने का कारण भी बता दीजिएगा अभी आप थोड़ी देर बाद जब मेरी बात समाप्त हो जाए। मैं तो सवाल उठा रहा हूँ केवल, आलोचना नहीं कर रहा जी। यूपी में परमानेंट डीजीपी क्या इसलिए है कि ये जो यूपीएसआई का स्कैम हुआ है 9534 भर्तियों वाला जो स्कैम है जिसमें कि एसटीएफ ने 60 से अधिक एफआईआर में 30 से अधिक सेंटर मालिकों को 200 अधिक अभ्यर्थियों को नामजद किया है, इसके छींटे किसी के दामन पे ना पड़े, क्या इस वजह से आपने परमानेंट डीजीपी यूपी को नहीं दिया या आपके पास सक्षम अधिकारी नहीं है? कानून व्यवस्था की जब बात होती है गौरव भाई, कैसे संचालित होगी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था? जैसे इनके डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन से नहीं चला, दो इंजन और लग गए, चलो 12 से 17 में बता दीजिए कानून व्यवस्था कैसी थी। आप सभी मेहमानों को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा थी, अब नहीं, डिबेट ओवर, डिबेट ओवर, अब नहीं, ओवर नहीं, ओवर नहीं, ओवर नहीं, डिबेट कराइए, हो गया, हो गया, आप डाउन कीजिए, आप डाउन कीजिए, हो गया, हो गया। आप सभी मेहमानों को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तीन बार मुझे बोलना पड़ा क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र की व्यवस्था को छोड़कर यही डिबेट में भी ऐसी व्यवस्था है, और व्यवस्था यह है कि यहाँ पर भी भाई हाय हल्ला रहा। महंगाई को लेकर सत्ता और विपक्ष की बीच में कुश्ती का दौर हमेशा जारी रहता है, पर कुश्ती शायद धरातल पर हो और कुश्ती जायज हो
तो शायद कुछ जनता का भी भला हो सकता है। जनता भी जनार्दन है और फैसला देती रहती है, बदलती रहती सरकारों को और जताती रहती है कि कुर्सी कभी किसी की सगी नहीं होती है। और सबसे बड़ी ताकत वो होती है वोट बैंक की ताकत, और जनता उस पर किसको विराजमान करेगी आने वाले समय में वो जनता जानती है, ना कि राजनीतिक दल। व्यवस्था बनाए रखिए और व्यवस्था के बीच में एक बात भी याद रखिए कि अगर गरीब की रोटी नहीं बनेगी या गरीब के घर का चूल्हा नहीं जलेगा तो उसकी लपट शायद आप तक भी नहीं पहुंचेगी। क्योंकि जनता बोलती है ना हो पूरे हमारे कोई अरमान, जनता बोलती है ना हो हमारे पूरे कोई अरमान, बस हमको दे दे रोटी कपड़ा और मकान, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नमस्कार।